हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस आई एम हेयर एट अ लोकल पॉन्ड इन माय होम टाउन। सो यू माइट हैव सीन द ग्रीन अपीयरेंस और द फेदर लाइक अपीयरेंस ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडीज। किसी भी स्टैंडिंग एक्वेटिक बॉडी में, जैसे कोई पॉन्ड या किसी स्ट्रीम का, किसी रिवर का भी ऐसा पार्ट जहाँ पर फ्लोइंग वाटर नहीं है, यू माइट हैव सीन दिस थिंग्स। इस तरह का ग्रीन अपीयरेंस दिखाई देता है। दैट मे ड्यू टू एल्गल ब्लूम और यूट्रोफिकेशन। जनरली एल्गल ब्लूम की वजह से भी हो सकता है ये, अगर बहुत ज़्यादा एनरिच हो जाते हैं मिनरल्स, कोई पॉल्यूटेंट मिनरल्स या किसी भी वजह से, तो वहाँ केवल एल्गल कॉलोनी ग्रो कर जाते हैं जो एल्गल ब्लूम कहलाते हैं। बट जनरली जो स्टैंडिंग वाटर है, जैसे कोई पॉन्ड है या कोई लेक है, उनमें एंजियोस्पर्म प्लांट भी पाए जाते हैं अदर देन दी एल्गल ब्लूम। उन एंजियोस्पर्म प्लांट्स को डकवीड कहते हैं। सो जनरली डकवीड एक क्लास है मोनोकोटिलेडंस की। मोनोकोटिलेडन क्लास में एक फैमिली है डकवीड, एरेसी फैमिली होती है, ARACAE मोनोकॉट की फैमिली है। एरेसी में जनरली पाए जाने वाले प्लांट मेनली तीन होते हैं डकवीड। वन इज़ वॉल्फिया, द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म जो होता है वो एक्वेटिक है वॉल्फिया। उसके अलावा स्पायरोडेला और लेमना माइनर, ये दो प्लांट और पाए जा सकते हैं, स्पायरोडेला, लेमना माइनर एज वेल एज दी वॉल्फिया। सो इनको सेपरेट करना, दूर से देखकर तो पता नहीं चल सकता कौन सा क्या प्लांट है, बट जनरली लीव साइज़ के अकॉर्डिंग जो है ये सेपरेट किए जाते हैं। डकवीड इसलिए बोलते हैं, जनरली जो है ये डक का फूड है। यू कैन सी द डक्स आर रोमिंग हेयर एंड देयर एंड दे आर ईटिंग दिस डकवीड। वाई दिस कम्प्लीट ग्रीनरी? क्योंकि जनरली अदर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली जो बीनिथ द सर्फेस रह रहे हैं, उनके पास ऑक्सीजन का डेपलेशन होता है, तो जनरली वो सर्वाइव ही नहीं करते। कुछ फिशेज सर्वाइव कर सकती हैं थोड़े बहुत ऑक्सीजन से, बट जनरली एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो सर्वाइव नहीं करेंगे। डक अबो द सर्फेस जाती हैं जनरली, इसलिए ये सर्वाइव कर रहे हैं। सो इनको आइडेंटिफाई करना, तीनों डकवीड्स में जो कॉमन डकवीड है वो लेमना माइनर ज़्यादा पाया जाता है जनरली, अगर हैबिटाट की बात करूँ तो इंडिया में स्पेशली। सो इनको सेग्रीगेट किया जाता है लीफ साइज़ के बेस पर। इसको मैं और क्लोज लुक दिखाता हूँ, फिर हम देखेंगे लीफ साइज़ क्या है। अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल है, अल्टीमेटली स्मॉल है, तो वॉल्फिया होता है। मिड साइज लीव जो होते हैं वो लेमना होते हैं, और उनसे थोड़े से बड़े जो लीव्स होते हैं वो स्पायरोडेला होते हैं। सो हियर इज द लुक ऑफ दिस प्लांट। यू कैन सी दीज आर द लीव्स। जनरली लीव्स इससे भी स्मॉलर होते हैं वॉल्फिया के, विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, सबसे छोटा जो है फ्लावर आता है। दिस इज लेमना माइनर, इससे बड़े होते हैं तो स्पायरोडेला होता है। हर एक लीफ के नीचे रूट होती है। मोनोकॉट की फैमिली है एरेसी। सो रूट जो होती है फाइबरस रूट लाइक स्ट्रक्चर, बहुत पतले से रूट होते हैं हर एक लीफ के नीचे। जनरली तीन से चार लीफ होते हैं एक प्लांट में। इससे ज़्यादा जब प्रोड्यूस होते हैं तो वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के थ्रू प्लांट जो है सेपरेट हो जाता है और दूसरे प्लांट को फॉर्म कर लेता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्लावरिंग आती है ऑफकोर्स एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं और मोनोकॉट प्लांट्स हैं, तो जनरली एक ही ओव्यूल और दो स्टेमन होते हैं। स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस होती है। एरेसी फैमिली को आरूम फैमिली भी बोलते हैं। आरूम जो नाम है वो स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस की वजह से ही नाम है। तो ये जनरली कॉमन डकवीड्स हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्लावर से भी होता है एज वेल एज वेजिटेटिव भी। प्लांट को मूव करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर बर्ड्स का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। बर्ड्स अपने लेग्स के साथ या फैदर्स के साथ चिपका कर इन प्लांट्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सब कॉस्मोपोलिटन ओरिजिन है इनका। जनरली कहीं भी पाए जाते हैं, कोई भी ऐसा जो एक्वेटिक बॉडी, स्टैंडिंग वाटर बॉडी या कोई भी रिवर स्ट्रीम भी, इवन जहाँ पानी का फ्लो रुका हुआ है वहाँ पर जनरली ये पाए जाते हैं, इसलिए सब कॉस्मोपोलिटन है। मेन जो सोर्स होता है इनकी ग्रोविंग का, यानी फर्टिलाइजर्स की अगर बात करें, दैट इज़ द रेन वाटर। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सभी रेन वाटर से गेन करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल डैमेज ही कॉज कर रहे हैं बाकी स्पीसीज़ को, ऑक्सीजन का डेप्लेशन ही कर रहे हैं, ये न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकिलिंग भी करते हैं, प्लस ये बायोरेमेडिएशन का काम भी करते हैं। क्यों प्रोड्यूस हुए यहाँ पर? क्योंकि इस तरह के स्ट्रीम्स में जो स्पिरिचुअल या इथिकल वैल्यूज़ की वजह से लोग पॉल्यूटेंट्स डालते रहते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे प्लास्टिक बैग्स भी हैं, तो उन न्यूट्रिएंट्स को ये रिसाइकल भी करते हैं या बायोरेमेडिएशन का काम भी करते हैं। अगर कोई टॉक्सिक मेटल, सपोज आर्सेनिक, तो ये आर्सेनिक को भी क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, खुद गेन करते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन भी नहीं करते। सो दे आर वेरी गुड बायोरेमेडियर्स। सो इट वाज अबाउट द डकवीड्स व्हिच यू कैन कॉमनली सी अराउंड योर विलेज और योर टाउन।